पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की 14वीं पुण्यतिथि पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वर्सेस डिस्ट्रमेंटलिंग ग्लोबल जिहाद विषय पर हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा ने अपने विचार साझा किए। देखिए खास रिपोर्ट। जन्म इंदौर में 11 जुलाई 1958 को हुआ। बाल्यकाल से ही धर्म, संस्कृति, संस्कार, पर्यावरण, रीति रिवाज, सेवा, राष्ट्रवाद जैसे अनेकों विषय पर समाज में काम करने के लिए वे लालायित थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर संघर्ष करने वाले नेताओं के दैनंदिन कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ किया। उनके द्वारा बनाए गए साहित्यों का वितरण करना, उनके द्वारा दिए गए संदेश पत्रों को अन्य नेताओं तक पहुँचाना, ऐसे अनेक कार्य किए। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे छात्र राजनीति से जुड़ गए। बसों में विद्यार्थियों के लिए रियायती दर पर पास लागू करवाना, अभावग्रस्त छात्रों की फीस कम करवाना, पढ़ाई हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाने जैसे छात्र हित के छोटे बड़े काम वो करते रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता की पहली झलक उनके साथियों को तब दिखाई दी जब उन्होंने वैष्णव महाविद्यालय को 11 एकड़ भूमि दिलवाने हेतु भूख हड़ताल की। यह उनके जीवन की पहली भूख हड़ताल थी जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है। इसके बाद वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े एवं विभिन्न दायित्वों पर भी रहे। वर्ष 1983 में उनका विवाह मालिनी जी से हुआ। समाज हित के कार्यों के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1983 से 1993 तक सतत 10 वर्षों तक समाज में विभिन्न विषयों जैसे प्लास्टिक पॉलिथिन के दुष्परिणाम, गौ हत्या, राम मंदिर निर्माण, कश्मीरी पंडितों का पलायन, ऐसे संवेदनशील विषयों के लिए जन जागरण किया एवं यात्राएं निकाली। अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नव परंपराएं स्थापित करने वाले जननेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की पुण्यतिथि पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी कार्यक्रम में हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा दिल्ली से जुड़े थे, जहां उन्होंने डिस्ट्रमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वर्सेस डिस्ट्रमेंटलिंग ग्लोबल जिहाद विषय पर अपने विचार साझा किए। वहीं इस पूरे कार्यक्रम का हिंदी रक्षक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने सफल संचालन किया। सभी मित्रों और सम्मानीय कार्यकर्ताओं को जो इस वर्चुअल संगोष्ठी में जुड़े हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम हम सबके परम आदरणीय ब्रह्मणी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जिनको हम प्यार से लखन दादा कहते हैं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से हम सभी उनको बहुत याद करते हैं और आज के दिन हम विविध कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में उनकी स्मृति में करते आए हैं और आज एक वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन उनकी स्मृति में हम कर रहे हैं। उनकी कार्य पद्धति से चमत्कृत होता जा रहा हूं और मुझे ये लगता है बार बार कि इस देश में राजनीति में आने से पहले सभी युवाओं को एक ना एक बार उनका जीवन परिचय, उनकी कार्य पद्धति वो जरूर बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए, दिखानी चाहिए। किस प्रकार से कोई एक व्यक्ति रूटीन राजनीति, रेगुलर राजनीति हम सभी लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लोग विधायक बनते हैं, हारते हैं, मंत्री बनते हैं, हटते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं। ये राजनीति का एक चक्र है जो कि चलता रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति इस राजनीति में गैर राजनीतिक विषयों पर भी सामान्य मानवों से जुड़े मुद्दों पर किस प्रकार से अपने को समर्पित करे और उसमें फिर पूरे समाज को जोड़ ले, ये आंदोलन के रूप में, सामाजिक क्रांति के रूप में, और ये क्रांति नहीं जो आजकल तथाकथित क्रांति के नाम पर देश और समाज का द्रोह किया जाता है, अपितु समाज के निर्माण की क्रांति, लोगों को जोड़ने की क्रांति, देश को बनाने की, सम्मान दिलाने की समाज के लोगों को, इसकी क्रांति। आप ये देखिए
देश में चुनाव सुधारों की कितनी बात होती है, चुनाव आयोग कितने प्रयास करता है, कितनी चीजें होती हैं, लेकिन इस देश की राजनीति में कोई व्यक्ति ऐसा भी खड़ा हो जाएगा जो ये कहेगा कि मैं तो बस एक झंडा लेके चुनाव लड़ूंगा, पोस्टर बैनर इससे जो शहर की गंदगी होती है इस पे खर्चा नहीं करूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा जो ये कहेगा कि तुम शराब बांटो, मैं तो दूध बांटूंगा और चौराहों पे दूध के बड़े बड़े कढ़ाए लगा देगा चुनाव के समय। ये क्रांति नहीं है तो और क्या है? वैचारिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, परिवर्तन ये। और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद भी उनको देख के ऐसा करने की हिम्मत अभी भी बहुत कम राजनेताओं में होगी, राजनीति की, समाज की। इस दौरान ऑनलाइन संगोष्ठी से बड़ी संख्या में युवा जुड़े और सभी ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।